तो 500 और 1000 नोट बैन को 30 दिन यानी एक महीना पूरा हो चुका है। नोट बैन के ऐलान के साथ ही पीएम मोदी ने देश की जनता से 50 दिनों का वक्त मांगा था, जिसमें से 30 दिन अब बीत चुके हैं। लेकिन इन 30 दिनों में हालात कितने सुधरे, ये बड़ा सवाल है। आज भी बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। देश का कोई राज्य, कोई जिला, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहां लोग कैश के लिए परेशान ना हो। और उधर दूसरी ओर 16 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र भी नोटबंदी की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं ये दो तस्वीरें। 17 दिन से संसद ठप पड़ी है। विपक्ष नोट बैन को लेकर अपनी मांगों पर अड़ा है, लेकिन सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। देश में नोट बैन के 30 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। बैंकों और एटीएम के बाहर कतारें कम नहीं हुई हैं, लोग बिना पैसे परेशान हैं। उधर संसद में भी हंगामा जारी है। शीतकालीन सत्र के 17वें दिन भी संसद के दोनों सदनों में नोटबंदी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया और उन 100 से ज्यादा लोगों को जो सरकार की गलत नीति की वजह से, नोटबंदी की वजह से किसी की शादी नहीं हो पाई, किसी की बेटी की शादी नहीं हो पाई, किसी को दवाई नहीं मिल पाया, कोई हॉस्पिटल नहीं दाखला ट्रेजरी बेंचेस नहीं थे, किसी के पास अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, उनको श्रद्धांजलि हमने बाहर पार्लियामेंट के बाहर दे दी। ये शर्म की बात है इस सरकार के लिए। कोई काला धन और बेईमान बचेगा नहीं और देश के गरीबों, देश के कमजोर तबकों के विकास के लिए। लोकसभा में भी विपक्ष लगातार नारेबाजी और हंगामा करता रहा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोट बैन के फैसले को मूर्खतापूर्ण बताया। एक महीने पहले प्रधानमंत्री ने एक फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट अपने आप बिना किसी एक्सपर्ट से पूछे अपने आप कर डाला। इस एक्सपेरिमेंट का जबरदस्त नुकसान हिंदुस्तान के गरीब लोगों को हुआ। किसी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री का बहुत बोल्ड डिसीजन है। ये बोल्ड डिसीजन नहीं है, ये बिल्कुल बेकार डिसीजन है। बिना सोचे समझे प्रधानमंत्री ने ये काम किया है और इससे पूरे देश को जबरदस्त नुकसान हुआ है। सदन के भीतर ही नहीं, बाहर भी विपक्ष ने नोटबंदी के खिलाफ विरोध जताया। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विपक्ष ने धरना प्रदर्शन किया। 16 दलों के विपक्षी सांसदों ने काला दिवस मनाया। विपक्षी सांसदों ने हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। तख्ती पर लिखा था 500 और 1000 के नोट की 1 month डेथ एनिवर्सरी। 30 दिन हो गए हैं, 85 लोगों की हत्या हो गई है, उनके प्राण चले गए। ये डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा हथियार जो है, जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, काला बाजारी को खत्म करने के लिए है, लेकिन ये मजलूमों को खत्म कर रहा है, गरीबों को खत्म कर रहा है। 30 दिन हो गए, अभी लोग परेशान हैं। 8 से 8 तक, 8 नवंबर से 8 दिसंबर तक अभी लोग परेशान हैं। पहले तो बोले मुझे 5 दिन दो, फिर बोले 5 हफ्ते दो, अब तो फिर 50 दिन दो। फिर भी अब जब एक महीने में 50% भी हालात नहीं सुधरे हैं, तो ये कोई ठीक नहीं। ऑपोजिशन की मांग ये है कि अनाउंस उन्होंने किया था, तो जो लोग ऑपोजिशन से इसके ऊपर डिस्कशन चाहते हैं वो डिस्कस करेंगे। आप सुनिए तो, ये कह देना कि इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, चाहे एक भी मंत्री हो जाए, दैट मंत्री इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रधानमंत्री। मगर जब उन्होंने इतने शान से अनाउंस किया तो शान से बैठ के सुने। सरकार की ओर से भी विपक्ष पर पलटवार किया गया। कैबिनेट मंत्री वेंकैया नायडू ने नोटबंदी का विरोध करने वालों को काले धन के साथ बताया। मुझे विश्वास है गांधी जी उनको सद्बुद्धि देंगे और वो लोग बहस के रास्ते पर वापस आएंगे। 16 नवंबर को शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी। 17 नवंबर से दोनों सदनों में नोट बैन पर चर्चा को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष की दो मांगे हैं। पहली मांग कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बहस हो और आखिर में प्रधानमंत्री मोदी जवाब दें। दूसरी मांग है किसी ऐसे नियम के तहत बहस हो जिसमें वोटिंग का प्रावधान हो। सरकार बहस के लिए तैयार है, लेकिन बहस के आखिर में वोटिंग नहीं चाहती।
ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर संसद में यह गतिरोध कब तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।